हेलो एवरीवन वेलकम टू ट्राइनो कोड सो यार जब आप एक वेबसाइट पे विजिट करते हो और वहाँ पे यार आप किसी आइकन के ऊपर होवर करते हो तो वो आइकन जूम होता दिखता है सो so, यार जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि जब मैं इस आइकन के ऊपर होवर कर रहा हूँ या अपना कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो ये आइकन जूम हो रहा है और जब मैं कर्सर हटा रहा हूँ तो ये वापस अपनी डिफॉल्ट पोजिशन पर आ रहा है ऐसे ही किसी भी आइकन पर जब मैं होवर करता हूँ तो वो आइकन जूम हो रहे हैं राइट यार ये चीज़ आपकी वेबसाइट को बहुत ही सुंदर दिखाती है जैसे यहाँ पे मैं किसी भी आइकन पे होवर करता हूँ तो वो जूम हो रहे हैं और जब मैं हटा रहा हूँ कर्सर तो वापस अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं तो so यार ये चीज़ बबल पे कैसे बनाई जा सकती है हम वही डिस्कस करेंगे तो चलते हैं यार अपने बबल पे और देखते हैं ये चीज कैसे बनाते हैं सो so यार मैंने बबल पे एक ई मेल पेज बनाया हुआ है तो so यार यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं बटन पे होवर करूँ या किसी भी टेक्स्ट फील्ड पे होवर करूँ तो वो जूम हो आए राइट तो यार ये चीज़ वेबसाइट के डिजाइन में एक बड़ा इम्पेक्ट देती है और यार ये यूज़र एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा बनाती है तो चलो चलते हैं यार बबल के डिज़ाइन पार्ट पे और देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं तो यार सबसे पहले आपको एक प्लग इंस्टॉल करना है जूम ऑन होवर ठीक है अगर आपने ये प्लग इंस्टॉल कर लिया अब आप डिज़ाइन पार्ट में आ जाओ और डिज़ाइन पार्ट में आने के बाद आपको विजुअल एलिमेंट्स में एक जूम एलिमेंट मिल जाएगा आपको उसे एंड ड्रॉप कर देना है राइट अब यहाँ पे यार वो आपसे आईडी मांगेगा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये आईडी काम क्या करेगी ठीक है अब जैसे यहाँ पे आप एक आईडी डालोगे और उसकी जूम फीचर और उसकी जूम परसेंटेज डालोगे कितना परसेंट उसे जूम देना चाहते हो ठीक है अब जैसे यहाँ पे मैंने आईडी डाल दी जूम ठीक है अब जैसे मैं इस बटन को जूम कराना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर आई एट्रीब्यूट में ज़ूम लिख दिया राइट हम इसे प्रीव्यू करके देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है अब जैसे मैंने यार बटन के अंदर जूम एलिमेंट की आईडी डाली थी तो ये बटन जूम हो रहा है राइट यार मैं नहीं चाहता कि ये टेक्स्ट फील्ड इस बटन के जितनी जूम हो क्योंकि बटन इतना जूम हो रहा है ठीक है बट टेक्स्ट फील्ड इतनी जूम नहीं होनी चाहिए ठीक है तो अब हम एक और जूम एलिमेंट लेंगे और इस पेज पर ड्रॉप कर देंगे ठीक है जूम एलिमेंट की आई में हमने डाल दिया टेक्स्ट और अब मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा जूम ना हो ठीक है तो मैं इस जूम परसेंटेज को वन हंड्रेड थ्री परसेंट सेट कर देता हूँ ठीक है अब ये कंपेरेटिवली कम जूम इन होगा जब भी मैं उस फील्ड पे होवर करूँगा राइट तो so यार फटाफट हर इनपुट बॉक्स के अंदर हम यही सेम आईडी डाल देते हैं टेक्स्ट ठीक है तो आईडी एट्रीब्यूट में मैंने टेक्स्ट डाल दिया एंड यहाँ पे भी टेक्स्ट डाल दिया और यहाँ पे भी टेक्स्ट डाल दिया ठीक है तो अब हम इसे प्रीव्यू करके देखते हैं तो so यार आप देख पा रहे हो डिफरेंस इनके जूम के अंदर ठीक है ये इनपुट बॉक्सेस कितना जूम हो रहे हैं और बटन कितना जूम हो रहा है राइट और ये चीज़ यार इसके लिए परफेक्ट होती है अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ईमेल मेल ट्रिगरर भी जो ये ई मेल ट्रिगरर टेक्स्ट है ये भी इस बटन के जितना जूम हो तो मैं क्या करूँगा ई मेल ट्रिगरर पर जाता हूँ इसके ऊपर आई डी एट्रीब्यूट में वही बटन वाली आई डी मैं इसमें डाल दूंगा और हम हम इसे प्रीव्यू करके देखते हैं तो जब हम इसे प्रीव्यू करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि ये बटन के जितना जूम हो रहा है राइट अगर मैं चाहता हूँ कि ये बटन के जितना जूम ना हो ये इनपुट बॉक्स के जितना जूम हो तो मैं इसकी आईडी में इनपुट बॉक्स वाली आईडी डाल देता हूँ और अब हम इसे प्रीव्यू करके देखेंगे तो आप देख पा रहे हो कि ये उतना जूम नहीं हो रहा है राइट ये ज़्यादा ज़ूम नहीं हो रहा है मैं जितना चाहता हूँ उतना करा पा रहा हूँ ठीक है यार ऐसे ही आप हर चीज़ के लिए एलिमेंट डाल सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिए हुए हैं ए, एंटर ई मेल आई डी सेंड ए, सेंडर्स नेम सेंडर्स नंबर इनके लिए अलग एलिमेंट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे एक नया एलिमेंट ड्रॉप कर दिया इसकी आईडी मैंने डाल दी टेक्स्ट बॉक्स के नाम से और यहाँ पे यार इसकी जो आईडी एट्रीब्यूट है यहाँ पे आप सेम चीज़ सब में डाल दो यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स डाल दो ठीक है यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स डाल दो और इधर भी आईडी टेक्स्ट बॉक्स डाल दो ठीक है बट ये ज़्यादा जूम होगा क्योंकि मैंने उसकी जूम परसेंट चेंज नहीं करी है तो जैसे जूम एलिमेंट सी जो लास्ट वाला लिया है अब इसकी में जैसे, मैं जैसे मान लो मुझे नाइन्टी परसेंट जूम कराना है ठीक है तो अब हम इसे प्रिव्यू करेंगे तो यार आप देख पा रहे हो कि किस तरह से जूम हो रहा है राइट तो अब ये देखो बाहर की साइड हो रहा है और ये अंदर की साइड हो रहा है अगर मैं इस इसकी जूम परसेंटेज टू हंड्रेड कर देता हूँ ठीक है और तब इसे प्रीव्यू करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा जूम हो के आ रहा है ठीक है तो यार ये चीज़ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो अब जैसे मैं इसे फाइव हंड्रेड एंड थ्री कर देता हूँ अगर मुझे चाहिए नहीं तो मैं आईडी हटा दूंगा तो आप देख सकते हो कि ये किस तरह जूम हो के आ रहा है राइट जितना ये जूम हो रहा है उतना ही ये जूम हो रहा है तो इस तरह से यार ये काम करते हैं तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू ट्राइनो कोड थैंक यू